लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव के कैंप ऑफिस लोहिया ट्रस्ट के दफ्तर में संजय सिंह देखे गए। सपा और आप के गठबंधन की चर्चा तेज अब और तेज हो गई है। आरएलडी के बाद आप पार्टी भी वार्ता को लौटी। अब आपने पहले अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, फिर समाजवादी पार्टी खेमे में देखी गई आप पार्टी। हालांकि अखिलेश संजय की मुलाकात का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं है। वसीम रिजवी की किताब मोहम्मद को लेकर फिर बढ़ा विवाद। यूपीसीएफ व बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हमेशा विवादों में रहने वाले वसीम रिजवी के खिलाफ राजधानी लखनऊ में बुधवार सुबह एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें कि कुछ समय पहले वसीम रिजवी की विवादित किताब मोहम्मद प्रकाश में आई थी, जिसे लेकर लगातार विवाद बढ़ने लगा। इसी के चलते बुधवार सुबह लखनऊ के चौक थाने में कई धाराओं में रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। क्योंकि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर मेरी हत्या किए जाने की और मेरी गर्दन काटने की साजिश रची जा रही है, उस पर इनाम रखे जा रहे हैं कि मेरा गुनाह इतना है कि मैंने 26 आयतों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जो इंसानियत के प्रति नफरत फैलाती है। और मोहम्मद के चरित्र पर वो हिडन फैक्ट्स जो के छुपे हुए हैं उस पर आधारित एक किताब लिखी है जिसका नाम मोहम्मद है। अब मुसलमान मुझे मार देना चाहते हैं और ये ऐलान किया है कि मुझको किसी कब्रिस्तान में कोई जगह नहीं देंगे, तो मेरे मरने के बाद शांति बनी रहे इसलिए मैंने एक वसीयतनामा लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी भेज दिया है कि मेरा जो शरीर है वो मेरे एक हिंदू दोस्त है उनको लखनऊ में दे दिया जाए और चिता बनाकर मेरा अंतिम संस्कार कर दिया जाए और चिता में अग्नि हमारे यति नरसिंहानंद सरस्वती जी देंगे, ये मैंने उनको अधिकृत किया है। लखनऊ के बसपा कार्यालय के सामने धरने कर बैठे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी। लखनऊ के बसपा कार्यालय के सामने शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। वह मायावती से मिलने के लिए शिक्षक अभ्यर्थी अड़े हुए हैं। सरकार के खिलाफ शेष व्यक्त कर रहे अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी बसपा कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। महिला के ऊपर से मालगाड़ी गुजरने का वीडियो वायरल हो रहा है। खबर यूपी के बलिया के बैरिया थाना क्षेत्र के सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन की है, जहां मालगाड़ी के महिला के ऊपर से मालगाड़ी गुजरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रेलवे ट्रैक के नीचे पड़ी महिला के ऊपर से मालगाड़ी गुजर रही है, वहीं महिला के ऊपर से गुजरती मालगाड़ी को देखने में भीड़ जुटी हुई है। आँख बंद कर लो, आँख बंद कर लो, हिलो मत, बंद कर लो, बस पार हो गई, आराम से सुत रहो। आँख बंद कर लो, आँख बंद कर लो, हिलो मत, बंद कर लो, बस पार हो गई, आराम से सुत रहो। मंत्री जितिन प्रसाद बोले, पीएम मोदी जैसा मजबूत नेतृत्व मिलना देश का सौभाग्य है। हरदोई के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने पीएम मोदी की तुलना लाल बहादुर शास्त्री से करते हुए कहा कि ऐसा दूसरी बार है जब मोदी के आह्वान पर समूचा देश कोरोना काल में एक साथ दिखा। पहली बार तब जब शास्त्री जी के आह्वान पर देश के लोगों ने एक दिन का उपवास शुरू कर दिया था। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभूतपूर्व नेता बताते हुए कहा कि भारत को इस समय जो मजबूत नेतृत्व मिला है यह उसी का प्रतिफल है कि आज हमारे पड़ोसी देश हमसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और कोशिश यही है जो मुझे बताया गया कि ये सक्षम जो संगठन है, जो विचार है, वो जरूरतमंद लोगों की मदद, उनकी सहायता, और ये कोई एहसान नहीं, ये एक सोच है, एक विचार है जो इस देश को मजबूत करने की ओर बढ़ती है और राष्ट्र को और प्रबल बनाने की ओर अपना योगदान देती है। और ये आप लोग भली भांति जानते हैं क्योंकि सब आस पड़ोस से होंगे कि मुझे भी अभी कुछ ही दिन हुए हैं जब मैंने
एक दल छोड़ के भारतीय जनता पार्टी। पूर्व ब्लॉक प्रमुख का जमीन दबंगों ने किया जबरन कब्जा। प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र के गणपति गंगोत्री नगर करछना तहसील के मूल निवासी हैं। स्नेह लता पत्नी परमेश्वर प्रसाद के 29 मार्च 2006 को अराजी नंबर 328 रुकबा 144 हेक्टेयर रजिस्ट्री करवाया था तथा अराजी 241 की रजिस्ट्री 15 दिसंबर 2010 को करवाना गई थी, जिसमें विपक्षी गण ने जबरन कब्जा कर अपनी बाउंड्री बना ली है। हमने थाना नैनी में शिकायत किया लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। सुनिए वीडियो। क्या मामला है, आप किस लिए परेशान हैं? परेशान इसलिए हैं कि पहली बात तो मेरा परिचय, मैं परमेश्वर प्रसाद 26 गणपत गंगोत्री नगर पोस्ट डांडी थाना नैनी तहसील करछना जिला प्रयागराज का रहने वाला हूं और मेरी धर्मपत्नी भाजपा से प्रमुख रह चुकी हैं और हम लोग भाजपा के सक्रिय सदस्यों में हैं। 2006 में हमने डभाओं में एक ज़मीन लिया, चलता रहा, फिर 112 पे भी फ़ोन किया गया, दो नहीं तीन तीन बार किया गया, मगर काम चलता रहा, रात भर काम चला और बाउंड्री वो लोग बना करके अपना जो है कब्जा करना चाहते हैं और धमकी भी दी जा रही जान माल की, हमारे जो है सुरक्षा की जाए, शासन प्रशासन से मैं यही चाहता हूँ। अब भी दहशत में हमारी ज़िंदगी, हमारे बच्चे, हमारी धर्मपत्नी पूर्व प्रमुख जी, सारे लोग दहशत भरी ज़िंदगी जी रहे हैं और भूमाफियाओं के द्वारा हम लोगों को धमकी भी दी जा रही है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी जान माल की सुरक्षा की जाए। धन्यवाद। दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ की मारपीट। खबर यूपी के फरुखाबाद के थाना जहानगंज क्षेत्र के रतनपुर ग्राम की है, जहां पुरानी रंजिश में दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की। वहीं बीच बचाव करने आई महिला के भाई व दामाद को दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसके बाद महिला के बेटे की शादी का जेवर व रुपया दबंग घर से लूट कर फरार हो गए। वहीं महिला ने दबंगों पर लाखों के जेवरात व लूटने का आरोप लगाया है। मतलब लड़की मेरी थी, हम थे घर पे। किच्ची से मारा, कहीं से मारा? कहीं से मारा? किच्ची से मारा, ईंटों से, डंडों से। लाठी थी उनके पास, ईंटा थे, उन्हें ईंटा फेंक फेंक मार। हमने जब गेट नहीं खोले तो उन्होंने गेट में तागा से गेट तोड़ दिए। अच्छा, कहीं से मारा? कहाँ कहाँ? कहीं से भगा भगा मारा? कहीं से भगा भगा मारा? घर में घुस के। कितने लोग? मेरी चीज बत थी वो सब निकाल ली। हमारे लड़के की ये शादी, मेरी लड़के की पहली तारीख को जाके बरात, हम चीज बत बनवा के लाए तो इन लोगों ने जब हमको मार लिया जी, हमारे जो दामाद हमारा भाई जब घायल हो गया, हम इन लोगों ने लग गए भाई हमारे कमरा में घुस के, मतलब हमारी चीज लॉकर में रखी, लॉकर तोड़ के निकाल ली। क्या लूट ले गए? जंजीर थी, कंगन थे, पायलें थी, तीन अंगूठी थी, हार था, इतना सामान लेके गए। ये सब लूट ले गए? सब ले गए, पैसे रखे थे उसमें। शादी किन की थी आपके घर? हमारे लड़के की। कब थी? पहली तारीख की। यही पहली तारीख? हाँ जी, पहली दिसंबर आ रही, इसी को शादी है। तो क्या ये लोग, क्या कौन लोग हैं? दबंग हैं? क्या है? दबंग है जी, दबंग है, किसी को रहने नहीं देंगे अपने अलावा, अपना खुद रहना चाहते हैं, किसी को रहने नहीं देंगे। तो क्या आए दिन मारपीट करते हैं? आए दिन उनका काम है यही मारपीट करना, दारू पीना, इससे लड़ाई करना, उससे लड़ाई करना, उनका ये पेशा है। तो उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती क्या? पुलिस क्या कार्रवाई क्या करेगी? पुलिस तो मतलब अपना वहाँ से वो जाती है लेना देना, चीज़ें भी नहीं होती कार्रवाई।